अब समझ में आ रहा है जब खुद के बच्चे हो गए कि मेरी माँ क्या समझाना चाहती थी. बिल्कुल सही है. एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स, मतलब जो काम कर रहे हैं और जो घर पर अपने बच्चों को संभाल भी रहे हैं. ये एक ऐसा, मैं क्या कहूँ, थैंकलेस जॉब है ना, कि आप अपना सब कुछ दे देते हैं पर माँ को एक्नॉलेजमेंट जितना वो काम करती है ना उतना मिलता नहीं है. रुबीना, मैं सबसे पहले ना आई वॉज ऑब्जर्विंग यू लाइक कि एनी एनर्जी आंधी कितों है. गुड अब भी इतना भर के प्लेट सोया चाक खाया और बिरयानी खाई है उसके साथ. आप पूछिए मत, मतलब एनर्जी स्टोर हाउस है मेरा. अभी भी मैं यही सोच रही हूँ मेरी बेटियाँ क्या कर रही है. खाना खाया कि नहीं है. अच्छा, अब ये पता है कि यू नो मम्मी के साथ है, अभिनव के साथ है, तो एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर. बट वो कहीं ना कहीं चिंता रह जाती है. वो तो सोचा सी दैट अपा इकट्ठे पहली फिल्म इकट्ठी लेके आवांगे. सोचा नहीं था, मतलब प्रे किया था लिटरली हमने ऊपर वाले से. हां मतलब इतना होता कि जो आप कुछ सुनते हैं भी दिमाग कुछ राय नहीं आती होता कि डन फाइनल है. स्वागत कर दिया देसी चैनल ते इधरों भी भज चली तो उधरों भी भज चली पर भज के चल के जाना कित्थे आ. आओ जानते हैं चल भज चली दी स्टार कास्ट तो. सत श्री अकाल रुबीना. सत श्री अकाल. की हाल चाल ने सारिया दे? बहुत वधिया, बहुत वधिया. रुबीना, मैं सब तो पहले ना आई वॉज ऑब्जर्विंग यू लाइक कि एनी एनर्जी आंधी कितों है. गुड अब भी इतना भर के प्लेट सोया चाक खाया और बिरयानी खाई है उसके साथ. आप पूछिए मत, मतलब एनर्जी स्टोर हाउस है मेरा. हाँ, और मुझे लगता है कि उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले ने, सरप्राइजेज भी दिते गए ने, मिले भी ने. और न्यू मॉम इज लाइक गेटिंग सो मच अटेंशन एंड सरप्राइजेज, तो एक कितना दी फीलिंग होती है? बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है. बहुत चैलेंजेस से भरी हुई है. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज है, स्ट्रगल्स हैं, पर रिवॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है. अभी मैं यही सोच रही हूँ मेरी बेटियाँ क्या कर रही है. खाना खाया कि नहीं है. अच्छा, अब ये पता है कि यू नो मम्मी के साथ है, अभिनव के साथ है, तो एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर. बट वो कहीं ना कहीं चिंता रह ही जाती है. एंड इट्स लाइक हो जाएगा. रुबीना, एक ना हम जब पढ़ते हैं या जब बच्चे होते हैं ना, तो हमारे मम्मी एक बात जरूर बोलती है, जब खुद माँ बनोगे ना तब पता चलेगा. सो अब ये चीज जो बहुत अच्छे से पता चल रही है, मतलब ऐसे कूट कूट के पता चल रही है कि भैया कल परसों कोर्ट भी पाया सी ना एक दादा है ना, तो अपनी मम्मी कहती सी है ना. अब समझ में आ रहा है जब खुद के बच्चे हो गए कि मेरी माँ क्या समझाना चाहती थी. बिल्कुल सही है. एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स, मतलब जो काम कर रहे हैं और जो घर पर अपने बच्चों को संभाल भी रहे हैं. ये एक ऐसा, मैं क्या कहूँ, थैंकलेस जॉब है ना, कि आप अपना सब कुछ दे देते हैं पर माँ को एक्नॉलेजमेंट जितना वो काम करती है ना उतना मिलता नहीं है. तो इसलिए मैं अपनी जर्नी के थ्रू इतना ही बताऊंगी, बीइंग अ मदर इज द मोस्ट डिफिकल्ट येट द मोस्ट मतलब पावरफुल जॉब. एंड प्लीज रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट योर मदर, प्लीज. बिल्कुल, बिना क्रेडिट के, बिना एक्सपेक्टेशन के वो हमारे लिए हर टाइम खड़े रहते हैं. अरे क्या सैक्रिफाइसेस करते हैं यार. दैट्स द बेस्ट पार्ट मन लगता है एक फीमेल लाइक मदरहुड जो ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत मोमेंट. एब्सोल्युटली. अलीशा, फाइनली एंट्री हो रही है फिल्मों के बीच और एक ड्रीम जो ना, हर कुड़ी एक डिजायर्स होंगे ने या ड्रीम्स होंगे ने, फाइनली पूरा हो रहा है. हाउ इज द जोश एंड एक्साइटमेंट? बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत जोश है. आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू फाइनली वॉच द मूवी. मैं भी चाहती हूँ सारे मूवी वेखे ते हंसी आए, सारे प्यार करे साडे कैरेक्टर्स नु, प्रभ, मैंडी ते शिंदा ते उदी, बस एक्साइटमेंट हैगी है मैनू बस. बिल्कुल. और शिंदा जी, किदां चल रही है प्रमोशंस? बहुत वधिया जी, स्टार्ट हुई है ने. ओके, बहुत खुशी है, ਬਹੁਤ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਸੋਚਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇ ਕੀਆ ਥਾ ਲਿਟਰਲੀ ਹਮਨੇ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਸੇ, ਹਾਂ, ਕਿ ਹਮ ਸਾਥ ਮੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਭੀ ਕੁਛ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਟ ਲਾਸਟ ਇੱਥੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਅਪ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਆਇਆ ਕਿ ਦੈਟ ਰੁਬੀਨਾ ਔਰ ਇੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਯੈਸ ਕੁਛ ਨਿਊ ਫੇਸਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰੁਬੀਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ
वीना ने नहीं काम किया जीवा ने पूरा योगदान है, पूरा कंट्रीब्यूशन है मतलब इस फिल्म में। एक्चुअली मैंने ये एक्चुअली इस तरीके से सोचा नहीं था, बट हाँ मैं ऑलमोस्ट 4 months प्रेग्नेंट थी और जीवा और इधा के साथ पूरी फिल्म उन्होंने भी देखी है, पूरी जर्नी भी देखी है और अब वो पूरा फुल सपोर्ट और यू नो विद देयर फुल कोऑपरेशन। इट्स लाइक कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करते ना तो शायद मैं इधर बैठकर ये इतने इत्मीनान से इंटरव्यू नहीं दे पाती। Yes, they were in every scene. और डांस भी कर रहे हैं। और उन्होंने जो डांस किया उन्होंने कहा मम्मी की कर रही है, मम्मी हुन भी नहीं टिकाई आ रही। सो लाइक उस जी मूवमेंट्स होंगी ना बहुत खास हो जाती है ना एक फीमेल ले। सो उस टाइम के उपर कि चीज़ा सगिया दैट मेरा एक जो ड्रीम से पंजाबी फिल्म आता वो भी कामयाब हो रहा है, मेरिया लक्ष्मियाँ भी उदो तो पता नहीं है ना कि बेबी का जेंडर की है, बट मेरे बच्चे भी आ रहे हैं और जिदा की एक लाइफ हर एक इंसान चाहता वो सारी सक्सेसफुल हो रही है। उस टाइम के उपर की मूवमेंट से और कितना प्रिकॉशनस लीतिया जा रही थी घर दें वालों की किया जा रहा है क्या करना क्या नहीं करना? सारे घर वाले ना ऐसे बिल्कुल ऐसे रहते थे। मम्मी क्या बोलते मेरे साथ शूट पर वो रहती थी, मेरी बहन आई हुई थी और अभिनव बैक एंड फोर्थ करते थे, तो सब ऐसे होते थे आई यू फाइन, अच्छा हो गया, प्लीज़ डॉक्टर शुड बी ऑन कॉल, आप ठीक हो ना, क्योंकि मैंने सेट पे किसी को बताया नहीं था और परिवार वाले जो थे ना वो एकदम सतर्क थे कि कुछ हो ना जाए कुछ ये ना, बट सबकी वो कहते हैं ना सबकी दुआएं साथ में थी और ऊपर से मेरी खुद मेहनत और लगन मुझे इतनी वो कहते हैं ना फ्री ऑफ माइंड मुझे अपना 100% इस फिल्म को देना था, इसलिए मैं बाकी सब चीज़ों की चिंता करती नहीं थी और एक्चुअली ऊपर वाले ने वो रिवॉर्ड दे ही दिया। हर चीज़ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव डेफिनेटली आया था, हेल्थ वाइज आई वॉज़न फीलिंग दैट ग्रेट, बट करते कराते यहाँ तक हम पहुँच गए और मैंने ज़रा भी मतलब पूरी कोशिश की थी कि ज़रा भी वो थकावट वो नॉट बीइंग इन द ग्रेट सेल्फ और जो जूझना होता है व्हेन यू आर प्रेग्नेंट बिकॉज आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं मैंने बिल्कुल भी नहीं मतलब पूरी कोशिश थी कि वो बिल्कुल भी चेहरे पर ना आए। अच्छा किसे ना भी सेट दे ऊपर नहीं पता सी गई कि नहीं सामने अच्छा, किसे नहीं पता सी ओके तो ये मतलब ये बहुत मतलब मैं लगता इतनी अच्छी जॉब करी थी इट बट इन दर बहुत है ना अमेजिंग जॉब है ना तुसी जदों किसी ऐसे को एक्ट्रेस ना काम कर दे मेनू भी इवन हम जो सी रील पाई प्रॉपर होने जस्ट विद इन दिस वीक मेनू वो पता लगा मेनू पहले पता नहीं सी। अच्छा मेकर्स को भी नहीं पता सी किसी को पता नहीं था क्या बात किसी को पता नहीं था। मेरे घर वालों ने स्पेशली मेरी दादी ने कहा था कि बेटा 6-7 महीने से पहले हमारे ट्रेडिशनली नहीं हाँ जी नहीं बताते हैं और हम बड़े बुजुर्गों की बात बहुत वो बोलते हैं ना दिल से उसे फॉलो करते हैं तो हमने किसी को बताया नहीं। और आज की डेट में हमारे मतलब काम के एवेन्यूज इतने माइंडसेट इतना यू नो ब्रॉड हो गया है कि इन सब चीज़ों के लिए ना जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे डर के या पता नहीं क्या सहम के क्या अरे करे नहीं करे क्या होगा कैसे होगा। आई डोंट थिंक सो इन सब चीज़ों से कोई फर्क पड़ता है, आप अच्छे स्वस्थ हैं आप अच्छे से अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, ये जो चीज़ है लाइक एन एवोल्यूशन टू योर लाइफ इट हैपेंस like it's a very beautiful journey or example we seriously are jad bhi rubina the like the filmy career di gal aayegi na te ek khas part rahega that she was pregnant during this journey aur main lagda kitne kitne rubina liye bhi bahut special hoga and jadon tusi apne bacche vadde unke naal share karoge they will also feel proud ki yes ki sare mother apne kaam nu bhi te sanu kinna pyar karde ne so in there har insaan na ek right time de wait karda hai par bahut baar interviews de vich gal baat karde sige that When are you coming into films? ते तो सही कहने से कि right script, right time. So finally right time ते right script आ गई. और ऐसी कहीं ऐसी चीज़ सी कि that ये film नू ना हो ही नहीं सकती सी. First reason yes कर दो. मतलब इतना होता है कि जो तो आप कुछ सुनते हैं अभी दिमाग से कुछ और राय नहीं होती होता है कि done, final है. अन्ना ते ये करना वाला रब होता है मतलब इतना भी right script है ना right time. वो रब ने किया पता नहीं सी कि पहला ये होनी है. वो रब ने लिखा सी कि हाँ तो डली यही सही है. वो पहला लिखा जाता सारा कुछ तो सब सामने आया अपने